में हो, होश में आओ, होश में आओ। किसानों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में कल भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा 6 किसानों को गाड़ी से रौंदकर निर्ममता से मार देने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के संबंध में बताते हुए आपके प्रदेश सचिव राशिद सैफी ने कहा कि अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दूसरे ही दिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हिंसा होना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए शर्म की बात है। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि 6 किसानों को निर्ममता से गाड़ियों द्वारा कुचलने वाला हत्यारा भाजपा की केंद्रीय सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मंत्री और उसके बेटे को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने और फांसी देने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से राशिद सैफी, सुनील शुक्रा, अनिल बिश्नोई, दीपक कश्यप, ममता गुप्ता, इशरत अली, रविंद्र भाटिया, आसिफ सैफी, मनोज बिश्नोई, सलमान खान, अफसर अली, मोहम्मद आसिम, शरीफ अहमद, इकराम अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। राशिद सैफी जी, आज एक प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया गया ये प्रदर्शन? देखिए, अहिंसा के पुजारी महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के दूसरे ही दिन उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी हिंसा होना जिसमें 6 किसान निर्दोष किसानों को कुचल कर मार डाला गया, ये उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। और भी ज़्यादा शर्म की बात इसलिए है कि ये हिंसा किसने की? ये हिंसा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की शह पर उनके बेटे आशीष मिश्रा ने की, जिसने लखीमपुर के अंदर जो काले कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों को उसने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के तले रौंद डाला, निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। और एक हफ्ता पहले ही अजय मिश्रा जी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उसी लखीमपुर के अंदर खुली धमकी दे रहे थे कि मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर इनका सफाया कर सकता। तो वो उनकी खुली धमकी उनके बेटे ने पूरी करने का काम किया है। और वो खुद कह रहे थे कि मेरा पुराना इतिहास उठाकर देखिए कि मैंने किसी को नहीं छोड़ता। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि भाजपा सरकार के जो विधायक, मंत्री और सांसद हैं, वो महात्मा गांधी की अहिंसा को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले नहीं है। वो उनके हत्यारे गोडसे के अनुयायी प्रतीत होते हैं, वो उनका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो हमारी आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस लखीमपुर के जो हत्याकांड हुआ है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किया है, हमने उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया है और योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है और एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया है जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से कि इस हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को शामिल है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए।